ओम शांति। अब हम करेंगे रिकॉर्डिंग 23 जून, 23 जून की और 24 जून की। आज के 24 जून की ईश्वर वरदान की और कल के ईश्वर वरदान में परमपिता परमात्मा ने क्या कहा था उसको हम देखें अभी। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि श्रेष्ठ मत प्रमाण, हर कर्म जो हम करते हैं उसके हिसाब से हमारे जीवन में खुशी होती है, यह तो हमारे जीवन में दुख होता है। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ मत प्रमाण, हर कर्म कर्म योगी बन, करने वाले कर्म बंधन मुक्त भवा। ताकि हमारा जो भी कर्म हो वो हमारा बंधन ना बने, उससे हम मुक्त रहें, तो हमारे जो भी कर्म हो वो परमात्मा की श्रेष्ठ मत के अनुसार हों। परमात्मा कहते हैं, जो बच्चे श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म करते हुए बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं। बेहद का रूहानी नशा, एक हो गया आपको जिस्मानी नशा और एक हो गया आपका रूहानी नशा, मतलब कि परमात्मा के दिए हुए गाइडेंस या डायरेक्शन के हिसाब से जो भी कर्म किए जाते हैं उसमें रूहानियत होती है। और जिस्मानियत मतलब कि जो भी हम अपने शरीर के लिए, खान पान के लिए, धन दौलत के लिए, नामान शान के लिए करते हैं, वो सब कुछ हो गया जिस्मानी नशा। तो परमात्मा कहते हैं, कर्मयोगी बनकर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर नहीं आ सकती, वे सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। किस चीज से? कर्म से और उसके फल से, और परमात्मा के प्यारे रहते हैं। कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता, सदा मालिक होकर कर्म कराते हैं, इसलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। किसके मालिक? अपने 5 कर्मेंद्रियों के मालिक, आंख, नाक, कान, मुख, हाथ, पैर, त्वचा के मालिक बनकर के। वैसे मालिक बनकर के जब हम कर्म कराते हैं तो हमारे कोई बंधन बनते नहीं हैं, लेकिन अगर ये सारे कर्मेंद्रियाँ हमसे कर्म करवाना शुरू कर दें तो हम आत्माएं इनके अधीन बन जाती हैं, और जो कर्म करते हैं आंखों से, कान से, मुख से, नाक से, हाथ पैर से, वो विकर्म में परिवर्तन हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, इसलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती है और दूसरों को भी खुशी देती है, जो कंट्रोल में करती हैं मन बुद्धि संस्कार के कंट्रोल में, और फिर मन बुद्धि संस्कार इन 5 कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख करके जो कर्म कराती हैं, वैसी आत्माएं सदा खुद भी सुखी और खुश रहती है अपने आप से, और इस कारण औरों को भी वो खुशी दे पाती है और सुख दे पाती है। ये करें कैसे, इस मार्ग पर चलें कैसे, और ये कर्मयोगी बने कैसे, और वो कौन से जो महावाक्य हैं जो परमात्मा की दी हुई श्रीमत है वो क्या है एग्जैक्टली, उसको समझ लिया आप ब्रह्म कुमारी इसका 7 दिन का कोर्स करिए, तब जा करके आप और गहराई से चीज़ें समझ आएंगी। इसके साथ ओम शांति।